वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में वांटेड कारोबारी नवीन कालरा से जुड़ी हुई है। दरअसल अग्रिम जमानत अर्जी पर साकेत कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कालरा ने साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। पिछले दिनों दिल्ली के खान मार्केट में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट्स पर छापा मारकर पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए थे। तभी से कालरा परिवार समेत फरार हैं। कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पूनम शर्मा हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पूनम, हालांकि कल अब सुनवाई होनी है, लेकिन पहले से अग्रिम जमानत की याचिका ये दर्शाती है कि कालरा इस पूरे मामले में एब्सकॉन्डिंग है और वो नहीं चाहता कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे जेल हो। बिल्कुल ठीक कहा नेहा आपने, और इसीलिए जो आज ये अर्जी लगाई गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए जो उसके खिलाफ हो, लेकिन कोर्ट ने आज कोई भी स्टे नहीं लगाया है। पुलिस एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, और साथ ही पुलिस से इस मामले में कोर्ट ने जवाब जरूर मांगा है ताकि जांच अभी किस दिशा में हो रही है और जांच में अब तक क्या क्या पाया गया है, जब कल सुनवाई हो तो कोर्ट के पास ये तमाम जानकारियां पुलिस की तरफ से मुहैया कराई जाए। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे कहा गया है कि अब तक की जो क्राइम ब्रांच की जांच हुई है उसमें तमाम चीजें जो मिली हैं नवनीत कालरा को लेकर वो बताई जाए, और इसीलिए जो अग्रिम जमानत अर्जी है उस पर आज सुनवाई जो है वो कल तक के लिए टल गई है। और जैसे कि पहले ही पुलिस बता चुकी है सुनवाई के दौरान कि LOC भी हम जारी कर चुके हैं, यानी कोर्ट ने भी पूरी तौर से इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसीलिए जब कल सुनवाई होगी तो तमाम जो सबूत हैं उसके खिलाफ वो पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किए जाएंगे।